वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तिवारी के साथ बीजेपी के कुछ दूसरे नेताओं को भी हिरासत में लेकर बस से राजेंद्र नगर थाने ले जाया गया है, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कोरोना काल में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो आइए जानते हैं क्यों हिरासत में लिए गए मनोज तिवारी और क्या तिवारी ने लॉकडाउन तोड़ा है। दरअसल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा फीस, कोरोना काल में बद इंतजामी समेत कई आरोप केजरीवाल सरकार पर लगाते आ रहे हैं। इसी के खिलाफ वे आज प्रोटेस्ट करने के लिए राजघाट पहुंचे थे। मुंह पर केजरीवाल डम्प, दिल्ली का मास्क लगाए तिवारी के नेतृत्व में कई बीजेपी नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन यहां कुछ ही देर में भीड़ लगती देख दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उन्हें थाने लेकर चली गई। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमारे नेताओं ने पुलिस को गिरफ्तारी दी। बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी को लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इस तरह के किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। हालांकि तिवारी ने लॉकडाउन तोड़ने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम यह प्रोटेस्ट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे थे, मगर पुलिस का हम सम्मान करते हैं, इसलिए हम गिरफ्तारी भी दे रहे हैं। तिवारी ने आगे कहा कि हम लोग सिर्फ 5 से 6 लोग हैं और हमने लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया है। तिवारी ने आरोप लगाया कि आज न लोगों को राशन मिल रहा है और न ही कोई सुविधा। केजरीवाल सरकार सिर्फ विज्ञापन में मस्त है, ऐसे में दिल्ली कैसे बचे, दिल्ली की जनता कैसे जागरूक हो, उसके लिए हम यह प्रदर्शन करने राजघाट पहुंचे। इसके अलावा केजरीवाल सरकार द्वारा केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगने पर भी तिवारी ने सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर दिल्ली सरकार से 22 मार्च से लेकर 29 मई तक टीवी, प्रिंट और इंटरनेट पर दिए गए विज्ञापन का हिसाब मांग लिया। तिवारी ने केजरीवाल सरकार से यह भी पूछा कि अब तक दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों पर कितने रुपए खर्च किए गए और साथ ही साथ विज्ञापन पर कितने खर्च किए गए, इसका हिसाब जनता को देने की मांग भी मनोज तिवारी ने की है। साथ ही साथ आज केजरीवाल द्वारा दिल्ली बॉर्डर को सील किए जाने पर भी तिवारी ने सवाल खड़े किए। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कोरोना काल में राजनीति से बचने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में रविवार को 1295 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या 19,844 हो गई है। दिल्ली में एक दिन में सामने आने वाला यह सबसे बड़ा आंकड़ा था। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या अब दिल्ली में 500 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में आप भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करें और सरकारी नियमों का पालन भी करें, ताकि कोरोना से बचा जा सके। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे और क्यों दिल्ली पुलिस ने लिया मनोज तिवारी को हिरासत में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।